Hey everyone, my name is Dhruv and welcome back to the channel. So, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि आज जो है ना मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो मतलब बहुत आसानी से नहीं लिए जाते. So, yes, the decision that was taken by me and my mom was that I'll be having a haircut at my home under my mom's supervision. I mean, you guys can just imagine the situation कि हर जगह lockdown लगा हुआ है और साथ ही साथ सारे के सारे सैलून्स बंद है और उनका कोई notice नहीं आया कि वो कब खुलेंगे. कुछ कुछ खुले हुए हैं लेकिन यार वहाँ पर जाने में क्या आपके अंदर दम है? मैं personally risk नहीं लेना चाहता क्योंकि family के साथ रहता हूँ, individual मैं रहता नहीं हूँ. And I also had an option कि यार मैं online उस बंदे को बुला लूँ अपन कंपनी से, लेकिन यार वो बहुत ही ज़्यादा feasible नहीं है. वो कह रहे हैं कि वो हर चीज़ पहन कर आएंगे लेकिन मैं personally उस बंदे को अपने घर में नहीं बुलाना चाहता कि ताकि वो मेरा हेयर कट वगैरह करे. So yes, I'll be using this trimmer. This is a normal failure trimmer जो बटन दबकर है, इसकी जो अटैचमेंट्स हैं ऊपर नीचे हो जाती है. 10 mm तक ज़्यादा है, 10 mm जितने बाल तो है नहीं, कम से कम 30 mm जितने बाल हो रखे हैं. 3 से 4 cm लंबे बाल है, आप खुद सोचो, जो मतलब मैं 1 या 1.5 cm के बाल रखता था. मैं आपको बता दूंगा वो सारे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. ऑटोमोबाइल्स लाइफस्टाइल एंड ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स में बढ़िया बढ़िया डालता रहता हूँ. सो अब मैं जो हूँ वो सीधा शैम्पू करने जाऊँगा, अपने थोड़े पुराने कपड़े पहन लूँगा क्योंकि घर के अंदर बाल कटने कुछ नहीं पता कैसे होगा. वीडियो देखते रहो, आपको पता चलता रहेगा. मिलते हैं सीधा शैम्पू करने के बाद. I'm done with the shampoo and I'm rinsing my hair with my towel. And आप जैसे ही अपने बाल सुखा लोगे कॉम कर लो ताकि वो सेपरेट हो जाए. जैसे मेरे बाल एकदम उलझे हुए हैं उनको एकदम कॉम कर लो, अरेंज कर लो इनको. अगर आप बालों के अंदर मांग रखते हैं तो पहले ही निकाल लें, कटिंग होनी शुरू होती है तब वो इधर उधर चेंज हो सकती है. Guys, do remember that you have to take a cloth, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक हेयर कटिंग के अंदर. क्लॉथ के ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे बाल आस पास बिखरने से रह जाते हैं. What I saw on other videos was कि आपको थोड़े थोड़े बाल कंघी के अंदर लेने हैं और उनको हल्का हल्का ट्रिमर से ट्रिम करना है. बेसिकली वॉट आई केम टू द कंक्लूजन वॉज कि हम बाल अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बल्कि ट्रिमर की मर्जी के हिसाब से ट्रिम करेंगे. कि जो लास्ट क्लिप आती है 10 mm उसके अंदर मैं कट कर दूंगा क्योंकि उसके अंदर फिर झंझट नहीं रहता है. करो ना अब पीछे तो कर ले सिर यार. अब मेरे ना बीच के मत उड़ा देना कि बीच में से गंजा दिखूं मैं. टेक लिटिल हेयर इन योर कॉम एंड ट्रिम इट विद अ ट्रिमर, बिकॉज इफ यू डायरेक्टली ट्रिम योर हेयर विद द क्लिप इनसाइड वो ट्रिम नहीं होंगे. सो फर्स्ट मेक इट शॉर्ट देन ट्रिम इट विद द क्लिप. ये वैसे ही लग रहा है सच में इसकी हेयर ना. ये गुलजार यहाँ पर आप ट्रिम करते रहो धीरे 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 धीरे, जब वो हो जाएंगे देन यूज़ द क्लिप. एंड एट द सेम टाइम आई वाज सो स्केयर्ड कि दैट कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि वीडियो मुझे आप सबके लिए बनानी थी. जो मांग है ना मांग से एकदम सट के जितना पहाड़ सा उठा हुआ सारा. पुल द ट्रिमर फ्रॉम डाउन टू अप, डोंट कट योर हेयर इन योर बेडरूम बिकॉज यू कांट इमेजिन कि बाल कहाँ कहाँ तक उड़ के जा सकते. एंड जहाँ तक बात आती है हमारे बीच में बाल है उनको साइड में एक साथ पकड़ लो एट द एंड, नॉट इन द फ्रंट. टक द हेयर इन हर हैंड, होल्ड्स द कॉम इन द हेयर एंड देन शी ट्रिम्स इट. दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग. एवरी वन ऑफ यू हैव सीन कि बिफोर एंड आफ्टर लुक कैसा आता है एक होम कट के बाद. मतलब माय मॉम वाज नॉन प्रोफेशनल है, उन्होंने बाल कभी नहीं काटे हैं, लेकिन आप देख लो कि यार कितने बढ़िया तरीके से बाल कटे हैं. बस सिस्टमैटिक होना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों के, तो सिस्टमैटिक हो जाओगे तो यार बाल इतने बढ़िया कटेंगे. तो बाल घर पर कटे हैं तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि यार आप किसी सैलून में जा रहे हो वहाँ पर जाकर आप रिस्क लोगे फालतू का. इससे बड़े घर के अंदर अगर आपके पास एक नॉर्मल ट्रिमर है, एक बियर्ड ट्रिमर, एक्चुअली मैंने एक बियर्ड ट्रिमर से काटे हैं बाल, द लुक इज एक्चुअली जस्टिफाइड. आई जस्ट वॉन्ट टू से टू यू गाइज दैट इफ यू वॉन्ट टू रिकमेंड दिस वीडियो टू एनी वन उसको भेज दो, उसको शेयर कर दो, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बाहर जाना तो कहीं की समझदारी नहीं है, लेकिन घर बैठे बैठे इतने आसान स्टेप्स के अंदर बाल काटना ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है.
और जिस जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, मेरा हैंडल का नाम है आई ध्रुव। वहाँ जाकर देखो, वहाँ बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स डालता रहता हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टोरी अपडेट्स आते हैं और ट्रैवल के अपडेट्स आते हैं, मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कहाँ की नई वीडियो आने वाली है। तो फटाफट से जाके कर दो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड इस वीडियो को कर दो शेयर, लाइक बटन दबा दो। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग सुपर सून। बी यू, क्रिएट न्यू। बाय बाय।